हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो है केरल राज्य की जनजातियों के बारे में चर्चा की थी। एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। केरल में निवास करने वाली जनजातियाँ कडार, इरुला, मुथुवन, कन्निकर, मलनकुरावन, मलरायन, मलावेतन, मलायन, मन्नान, उल्लातन, यूराली, विशावन, अरनादन, कहुरनाकन, कोरना, कोटा, कुरियान, कुरुमान, पनिया, पुलायन और मल्लार, कुरुम्बा, केरल। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सब केरल की निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। तो केरल के बाद हम जो है चलते हैं दूसरे स्टेट पर, और दूसरा स्टेट आपका जो है छत्तीसगढ़ ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेट जो है छत्तीसगढ़ लेते हैं। अब देखिए मैप में ये आपका ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में आपकी कोरल हो गई, भील, बैगा, गोंड, अगरिया, भारिया, यहाँ पे अगरिया, भारिया, कोरबा, ये देखिए कोरबा जनजाति के नाम से ही वहाँ पे एक कोरबा में एनटीपीसी पावर प्लांट है। कोल हो गया, उरांव, प्रधान, नगेसिया, ये देखिए यहाँ पे हलवा, भतरा, माडिया, सहरिया, कमार और कंवर। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियाँ कोरल हो गया, भील, बैगा, गोंड, अगारिया, भारिया, कोरबा, कोल, उरांव, प्रधान, नगेसिया, हलवा, भतरा, माडिया, सहरिया, कमार और कंवर। तो ये आपकी जो है छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं हम त्रिपुरा। यहाँ पे ये देखिए त्रिपुरा आपका यहाँ मैप में दिख रहा है, ये रहा आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा में लुसाई, माग, हलम, खसिया, ये खसिया, भूटिया, देखिए कुछ यहाँ पे आपको मैच करते ही किसी अदर स्टेट से मिलेंगी, मुंडा और संथाल, उसके बाद इधर देखिए भील, फिर जमनिया, ये जमनिया हो गई, इधर रियांग, ये रियांग, उसके बाद ऊंचाई। तो ये जो है आपकी त्रिपुरा में निवास करने वाली जनजातियाँ कौन कौन सी, भील, लुसाई और ये आपकी ये माग हो गई, हलम और रियांग, ऊंचाई। तो ये जो है आपकी त्रिपुरा में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। आगे हम चलते हैं, तो आगे जो है जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी, तो जम्मू कश्मीर में आपकी गुज्जर और बकरवाल, गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ प्रसिद्ध हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, ये आपका मैप में देखिए येलो कलर से गुजरात दिख रहा है। तो गुजरात में आपकी कथोड़ी, सिद्धीस, कोलघा, कोलघा, कोटवालिया, ये आपकी कोटवालिया, पाधर, टोड़िया, बदाली और ये पटेलिया, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ पे ये आपका रहा यूपी, उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं ये आपकी बुक्सा, बुक्सा, थारू,
महागीर, सोरका, खरवार, थारू, राजी और जौनसारी। ये आपकी जौनसारी। और अगर हम उत्तरांचल की बात करें, जिसको अब बोलते हैं उत्तराखंड, तो यहाँ पे जो ये रहा आपका उत्तराखंड, इधर यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो हैं भूटिया या भोटिया, और ये जौनसारी और राजी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका ये रहा मैप में, महाराष्ट्र में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो महाराष्ट्र में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं, भील हो गई, गोंड हो गई, अगरिया, असुरा, ये रहा आपका असुरा, भारिया, कोया, वर्ली, कोली, डुका, ये बैगा, गडावास, कामर, खडिया, खोंडा कोल, कोलम, कोरकू, कोरबा, मुंडा उरांव, ये रहा प्रधान, और बघरी। तो ये जो है जनजातियाँ महाराष्ट्र में निवास करती हैं। अगले स्टेट पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका अगला स्टेट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये रहा मैप में, ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो जनजातियाँ हैं वो हैं होस, कोरा, मुंडा, उरांव, भूमिज, संथाल, गेरो, लेपचा, वही लेपचा जो सिक्किम में बताया था मैंने, ये हो गया असुर, फिर बैगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, यहाँ पे एक खोंड है और एक गोंड है, फिर नेक्स्ट हो गया कोरबा और लोहरा। हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो आपका जो रहा ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजातियाँ हैं वो हो जाएंगी गद्दी, गुर्जर, ये हो गया लाहौल, लांबा, पंगवाला, किन्नौरी और बकरायल। नाम भी बड़े अजीब अजीब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर अगला हम देखते हैं मणिपुर। तो यहाँ पे ये रहा मणिपुर, मणिपुर में कौन कौन सी जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे कुकी और अंगामी, अभी कुकी जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये कुकी वहाँ की एक जनजाति है, मिजो,
यहाँ पे हो जाएगा पुरुम, यहाँ पे पुरुम, ये मा हो जाएगा पुरुम, और सीमा मेघालय। फिर हम यहाँ पे मेघालय की जनजातियाँ, मेघालय की जनजातियाँ, तो मेघालय में आपकी आ जाएंगी खासी, खासी जयंतिया और ये गारो। तो दोस्तों यहाँ पे झारखंड की हम बात करें, झारखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई थी, झारखंड में ये संथाल, असुर, बैगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड, हो, खरिया, खोंड, मुंडा, कोरबा, भूमिज, बिझिया, चेरू, लोहरा, पहाड़िया, उरांव, खरवार, कोल और भील। तो ये जो जनजातियाँ आपको आधुनिक भारत में, जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको जब पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जगह जगह इन्होंने विद्रोह किया था, जिनको हम जनजातीय विद्रोह के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करते हैं, असम और नागालैंड एक साथ ले लेते हैं, असम व नागालैंड, कौन सा, असम व नागालैंड। तो देखिए बोडो, डिम्सा, गारो, कुकी, मिजो, मिकिर, नागा, अबोर, डाफला, मिसमी, अपतनिश, अपतनिश, सिंधो, अंगामी, सिंधो अंगामी। तो ये आपका असम हुआ नागालैंड। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपका, ये आपका ये असम रहा इधर, ये जो दिख रहा है आपका ये असम है, और इधर ये नागालैंड है, और यहाँ पे ये मणिपुर है, और इधर ये नीचे क्या है, ये मिज़ोरम है, यहाँ पे ये त्रिपुरा है, और इधर ऊपर जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर तो वाइट कलर का भूटान है, इधर ये सिक्किम है, और ये जो आपका वेस्ट बंगाल है, और इधर ये वाला एरिया जो है ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो झारखंड हो गया, अब आपका आंध्र प्रदेश आता है। तो ये रहा आपका मैप में ये आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ पे जो मैप है ये इसमें पार्टीशन नहीं किया गया है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हम एक साथ लेते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक में रहेगा। तो ये आपका चेंचू, कोचा, गुडावा, जटापा, कोंडा, डोरस, कपूर, कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी, यहाँ पे भी खोंड, सुगेलिस, लंबाडिस, एल्डिस, एरुकुलास, ये रहा एरुकुलास, भील, गोंड, कोलम, प्रधान, और यहाँ पे एक हो जाएगी ये वाल्मीकि। तो ये आपकी जो है कौन सी हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, यहाँ से ये इधर नीचे जो है ये जो है आपकी आंध्र प्रदेश की जनजातियाँ हैं, कौन कौन सी, चेंचू, कोचा, गुडावा, जटापा, कोंडा, डोरस, कपूर, कोंडा रेड्डी, खोंड, सुगेलिस, लंबाडिस, एल्डिस, एरुकुलास, गोंड, कोलम, प्रधान और वाल्मीकि। अब यहाँ पे एक बच रहा है आपका ये राजस्थान। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं, और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो ये जनजातियों वाला जो आपका ये चैप्टर है
ये ख़त्म हुआ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और हाँ, राजस्थान में कौन कौन से जनजातियाँ निवास करती हैं उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।